Good morning, students. How are you all? Students, हम EVS का second chapter food पढ़ चुके हैं और हमारा इसका थोड़ा सा lesson जो है रह रहा था, जो कि हम आज इस video में complete करेंगे. I hope कि सभी बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और अपनी कॉपी में इसको लिखा होगा. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और मैंने सभी बच्चों को कहा था बेटा कि इसको लाइन वाइज लिखना है. जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स आपको हेडिंग डालनी है और हेडिंग डाल के आपको कॉपी में नंबर वाइज लिखना है. बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि फर्स्ट नंबर पर मिल्क, सेकंड नंबर पर नट्स, थर्ड नंबर पर पी, ये आपको लाइन वाइज लिखना है. हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी पढ़ चुके हैं, इसी तरह आपको ये वाला भी चैप्टर ये वाला भी लिखना है अपनी कॉपी में. प्रोटेक्टिव फूड्स भी लिखना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. अब बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसको भी आपको कॉपी में ठीक से लिखना है. सो, हमें पेज नंबर 11 से पढ़ना है बेटा. ये हमारा चैप्टर रह गया था, आधा लेसन रह गया था जो कि हम आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी ईट 3 मील्स इन अ डे, हम एक दिन में 3 भोजन खाते हैं. जैसे कि लाइक वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम सुबह का नाश्ता करते हैं. वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, हम दोपहर का भोजन खाते हैं. वी ईट डिनर एट नाइट, हम रात का खाना खाते हैं. सोर्सेस ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें पौधों और जानवरों से भोजन मिलता है. हमें कहाँ से फूड मिलता है, जो भोजन मिलता है कहाँ से मिलता है बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स से. वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स नट एंड ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से फल सब्जियाँ अनाज और नट तेल मिलते हैं. वी गेट मिल्क एग्स मीट हनी एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स, हमें जानवरों से क्या क्या मिलता है, हमें जानवरों से दूध अंडे मांस शहद और मछली मिलती है. ये सब क्या है बेटा, सोर्सेस ऑफ फूड. फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट यानी पौधों से हमें ये फूड मिलता है. और फूड फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल से हमें ये भोजन मिलता है. फास्ट फूड, अब फास्ट फूड सभी बच्चों को और सबको ही बहुत पसंद होता है, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा सही नहीं होता. तो लेट्स स्टार्ट. फास्ट फूड आइटम आर इजी टू कुक एंड टेस्टी, बट दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वी शुड नॉट ईट देम रेगुलरली. क्या बोल रहे हैं बेटा, जो फास्ट फूड आइटम है पकाने में आसान और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, हमें उन्हें नियमित रूप से यानी रेगुलरली नहीं खाना चाहिए. अब फास्ट फूड कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे पिज्ज़ा नूडल्स बर्गर चिप्स, ये सब क्या है, फास्ट फूड है. स्मार्ट ईटिंग कैसे करते हैं, स्मार्ट ईटिंग क्या होती है, तो स्मार्ट ईटिंग के बारे में पढ़ते हैं. वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हर भोजन से पहले और बाद में अपने हाथ धोएं. डू नॉट स्पिल फूड वाइल ईटिंग, भोजन करते समय भोजन को छीले नहीं, ठीक है. ईट स्लोली एंड शो द फूड वेल, धीरे धीरे खाएं और भोजन को अच्छी तरह चबाएं. ईट योर मील एट द राइट टाइम, सही समय पर अपना भोजन करें. डू नॉट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू कैन फिनिश, खाना बर्बाद ना करें, केवल उतना ही लें जितना आप पूरा कर सकते हैं, जितना आप पूरा खा सकते हैं. खाने को वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए. डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, भोजन करते समय बात ना करें. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, दिन भर खूब पानी पीना चाहिए और पीना चाहिए, सब स्मार्ट ईटिंग है. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें. ये सब बेटा क्या है कि स्मार्ट ईटिंग है. स्मार्ट ईटिंग कैसे करते हैं, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, तो ये सारे स्मार्ट ईटिंग के टिप्स लिखे हुए हैं. लेट अस रिकॉल, अब हम ये पढ़ते हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा जो चैप्टर में पढ़ चुके हैं. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड क्या करता है बेटा, यानी भोजन हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है. फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल, भोजन हमारे शरीर को अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है. बेटा ये हम पिछले पेजेस पे पढ़ चुके हैं, फूड हमें की एनर्जी कैसे देता है, हमारी बॉडी को बढ़ने में कैसे मदद करता है, कि फूड कीप अस हेल्दी एंड फिट, भोजन हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है. वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, हमें संतुलित आहार खाना चाहिए. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें पौधों और जानवरों से भोजन मिलता है. वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए.
सो अब नीचे आ जाइए, टिक एक्सरसाइज करते हैं दिस वन, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन इज अ प्रोटेक्टिव फूड? प्रोटेक्टिव फूड क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो प्रोटेक्टिव फूड आपको आपको जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इस पर टिक करना है। तो प्रोटेक्टिव फूड हमारा है ए पपाया, तो पपाया पे मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, आपको भी ऐसे कॉपी पे लिखकर क्लिक करना है। विच इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे? क्या कह रहा है बेटा कि फर्स्ट मील ऑफ द डे क्या होती है? ब्रेकफास्ट। तो हम ब्रेकफास्ट, तो इसमें हमको ब्रेकफास्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, यानी राइट। विच वन इज अ फास्ट फूड? फास्ट फूड इसमें से कौन सा है, मिल्क, ब्रेड या पिज्ज़ा? तो पिज्ज़ा जो है फास्ट फूड है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोविंग? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं? बॉडी बिल्डिंग आपको इसमें एग्जाम्पल देना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोविंग, आप जैसे ही आपको लिखा हुआ है इनमें से आपको टू एग्जाम्पल्स देने हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से हो गए? फिश एंड पल्सेस, मछली और दालें। एनर्जी गिविंग फूड्स, राइस एंड पोटैटो। प्रोटेक्टिव फूड्स, बनाना एंड ब्रिंजल। अब बोला मैच द फूड आइटम्स विद देयर सोर्सेज, कह रहे खाद्य स्रोतों को उनके स्रोतों से मिलाए, यानी जो जो ये फूड है और उनके सोर्सेज है कि हमारे फूड जो है कहाँ से आते हैं, किससे आते हैं, ये आपको मिलाना है। तो बेटा आप क्या करना, इसको आमने सामने लिखना, मिला तो लेना लेकिन अपनी कॉपी पे एक ऐसे लाइन वाइज उतार के और ऐसे लाइन इसके सामने ही लिखना, ऐसे ऐसे क्रॉस करके मत मिलाना। जैसे कि ये हनी है, हनी कहाँ से आता है? बी से, शहद बी से। और जो ब्रेड है, ब्रेड वीट से, मिल्क काओ से, एग हैन से, और ये मीट गॉट से। तो ये आपको आमने सामने लिखना है, ऐसे क्रॉस करके मत लगाना जैसे कि इसमें लगा हुआ है, आपको कॉपी पे अच्छे से लिखना है फूड एंड सोर्सेस, और उनके नाम ऐसे आमने सामने लिख देना।